हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुका है और अभी समय हो रहा है 6:10। अब बाहर देख सकते हैं, बाहर का व्यू कितना ही सुंदर है। बहुत ही अच्छा लगता है इस तरफ से देखने के लिए फ्रेंड्स, कितना हरा भरा हरियाली, ऐसा लगता है गाँव में है। और इस तरफ हमेशा मोर और कोयल रोते ही रहते हैं, देख सकते हैं आप लोग, छोटे छोटे कबूतर और बाकी सारे पंछियाँ भी उड़ रहे हैं। फिर मैंने मेन डोर पे आया, देखा तो न्यूज़पेपर आया हुआ है फ्रेंड्स। फिर मैंने न्यूज़पेपर लेने के लिए गई, फिर उठा के अंदर आ गई फ्रेंड्स, और फिर से दरवाज़ा बंद कर दूँगी। सुबह अभी कोई भी नहीं उठा है फ्रेंड्स। न्यूज़पेपर को रख देते हैं और किचन की तरफ चल देते हैं फ्रेंड्स। किचन का लाइट जला लिया मैंने और अब हम सुबह यहाँ पे सबसे पहला काम होता है हाथ वाथ धो के, सबसे पहले हम जूस निकालेंगे। मैंने इसको रात पर ही निकाल के रख दिया था कि सुबह लेट ना हो, बल्कि मैंने रात को ही सब फिटिंग करके रख लिया था जूस निकालने वाला। और इसमें मैं निकालूंगी तरबूज का जूस। तरबूज को मैंने रात में ही काट करके रख लिया फ्रेंड्स, क्योंकि सुबह बहुत हड़बड़ी हो जाते हैं। और यहाँ पर मैं हाथ धो रही हूँ और हाथ धोने के बाद फिर हाथ धोने के बाद यहाँ पर मैं जूस निकालना शुरू कर दूँ। निकालना काम कर लिया था और हम इसी करके तरबूज पत्ती चलाएंगे। मैंने इसे पतीला रख लिया है और इस तरफ निकल जाती है, एक तरफ से कचरा निकलता है। ये तरबूज का बीज वगैरह होता है वो एक तरफ से निकलता, छाने का जरूरत भी नहीं पड़ता कि मैं चला सकता हूँ। लेकिन हम तो दिल्ली आके पहली बार ऐसे सामान सब देखते हैं, देख सकते हैं इस तरफ निकल जाते हैं। जो इसमें मैं तो कभी दिल्ली में नहीं देखा था, बड़ी बात है बाहर जब घूमने वाले सब के आया तो सब कुछ खरीद करता है। इतना सारा निकाल के रखने वाला है, जो कि थोड़ा थोड़ा भी घूम ही रहे, अब इसको धोने के लिए निकाल लेंगे। फिर मैं यहाँ पे अजवाइन और सौंफ को भिगो के रखा था पानी में रात भर के लिए। जो जो बैटिंग करते हैं फ्रेंड्स, वो लोग ज़रूर पीजिएगा, बहुत फ़ायदेमंद होता है और पेट भी साफ रहता है। तो यहाँ पर मेरी मैम रोज़ पीते हैं, तो फिर मैं यहाँ पे भिगो के रखती हूँ रोज़, और गिलास भी मैंने यहाँ छान के रखी है फ्रेंड्स। और हम टेबल पर रख देंगे, जब उठेंगे तब पी लेंगे। दीदी आज क्या बना रहे हो? भिंडी बना रहे हो? चावल, अंडा, अंडा बन रहा है। और ये क्या बना रहे हो? चाट बनेगी। अच्छा, जरूर बताना दीदी, आप कैसे? चिला बनेगी। अच्छा, अब भिंडी होने वाला है कि अभी पकेगा? अभी पकेगी, भिंडी कम तेल वाला भिंडी बना रही है दीदी। अपने टमाटर, धनिया, चाट मसाला, इसके बिना चाट बनेगी।
और किसके साथ खाएंगे? ब्रेड ब्रेड के साथ खाएंगे, इसे सूखा भी खा सकते हैं। कल भी हमने आलू के बनाए थे, बहुत अच्छा लगा था। नींबू का रस डालेगा इसमें। बीज चला के नहीं, प्याज आप लोग भी कभी बना के देखना, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है दीदी। और ऊपर से और थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल रही है दीदी। और आज का मौसम दिखाती हूँ फ्रेंड्स, बाहर बालकनी से इधर देखिए, अभी जस्ट बारिश हुआ है। मुझे यहाँ से खड़े होने में बहुत अच्छा लगता है, यहाँ का बिल्डिंग का व्यू बहुत अच्छी आती है। यहाँ तो भैया लोग अभी साफ कर दिए हैं, अभी बारिश रुकी हुई है, आजकल रोज बारिश हो रहा था। क्या कर रहे दीदी आप लोग? ओके इतना सा बनाई हूँ देखो, अभी तो दीदी ले आएगी सिंदूर और वो सारे कुछ। ये सारे ब्लू डार्ट के हैं अभी कि डिलीवरी के? ये डिलीवरी करती थी, दीदी पीछे से दे रही है। ओके आज बनेगा, क्या बनेगा बताती हूँ। टोफू का सब्जी खाते हो? मिक्स वेजिटेबल। हरियाणा दीदी टोफू का सब्जी नहीं खाते? उसमें बीन्स और टमाटर, शिमला मिर्च सब कुछ मिक्स करके। 12:30 हो गए, बस टोफू सब्जी दीदी। रोटी नहीं खाओगे? हाँ तो वही बोल रही हूँ। दीदी के पास आई हूँ, दीदी चिल्ला बना रही है। नमक इधर भिंडी का भुर्जी भी हो गया। क्या हिंगी डाल रहे हो? बुला रहा है मुझे लग रहा है दीदी, आज बहुत सारा पैकेट है। दो बार घंटी मारा फिर भी दीदी लोग नहीं खोले। चलो मैं देख के आती हूँ। ठीक, क्या देने जाना है? कोरियर देने के लिए। वो लोग क्या कर रहे हैं? पैकिंग कर रही है। शाम हो गया फ्रेंड्स और दीदी चली गई है, तो हम चीला बनाएंगे। मैं थोड़ा तेल डाल लेती हूँ। पता नहीं दाल का चीला कैसे बनेगा मेरे से।
ठीक बना है फ्रेंड्स, गोल तो नहीं बना पूरा पर ठीक ठाक बना है। इसको मैं ढक देती हूँ, थोड़ा सा पतला फ्रेंड्स, मुझे लग रहा है थोड़ा ज़्यादा मोटा है। दो मिनट बाद आलू भी जरूर ट्राई करना फ्रेंड्स, बहुत ही आसान है बनाना और पूरा फुल वीडियो देखोगे तो आप लोग पूरा रेसिपी पता चलेगी। तो देख सकते हैं आप लोग, मैंने चीला बना के रेडी कर लिया है फ्रेंड्स, इसको कलर देते हैं, लगभग हो ही गया है। और प्लेट लगा लेंगे और अब मैंने हरी चटनी भी बना के रखा है, दीदी को बोल दिया था तो उसने तैयारी करके रख दिया था, चटनी भी बना के देख सकते हैं और बहुत ही सुंदर दिख रहा है खाने जैसे, बहुत स्वादिष्ट। और आप लोग अच्छी लगती है वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स। रात का व्यू दिखाते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा लगता है रात को, देखिए इस तरह है रात को। यहाँ पे मंदिर है तो सुबह सुबह 5 बजे ही गाना बजने लगता है फ्रेंड्स, बहुत अच्छा लगता है, देख सकते हैं आप लोग ऊपर से, नीचे तो मैं दिखाती ही रहती हूँ।